इंटरनेशनल योग साइंस अब हरिद्वार के पतंजलि में होने जा रहा है। पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि संस्थान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और देश विदेश से लोग हरिद्वार पहुंचेंगे, जिसके साथ ही योग के साथ साथ आयुर्वेद के बारे में लोग जानेंगे। आयुष मंत्रालय भारत सरकार पहली बार यह कार्यक्रम करने जा रहा है, इससे हरिद्वार सहित पूरे देश विदेश को फायदा मिलेगा। उन्हें यह भी बताया कि सनातन धर्म में लोग और यज्ञ का विशेष महत्व होता है। आज पतंजलि योगपीठ में बच्चों को योग के साथ साथ यज्ञ का महत्व भी बताया गया। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। आयुष मंत्रालय के द्वारा नेचुरोपैथी और योगा साइंस के अंतर्गत एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। 18-19 तारीख को 2 दिन यहाँ पर कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें हजारों लोग यहाँ पर आएंगे। बाहर से भी लगभग 1,500 से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति की संभावना है और विद्वानों में कई देशों के विद्वान होंगे जो अपने अपने विषय के बड़े पारंगत और धुरंधर होंगे। सब लोगों की यहाँ पर उपस्थिति होगी और सब पूरे चिंतन मनन के साथ साथ में प्राकृतिक चिकित्सा को विश्वव्यापी बनाने के लिए और अभी किस तरह के रोगों में प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा 100% परिणाम प्राप्त हो रहा है, उन सब के ऊपर गहन चर्चा करेंगे। ये आगे आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बनेगा लोगों के स्वास्थ्य के लिए, प्राकृतिक चिकित्सा के लिए और भारतीय परंपराओं के साथ जुड़ने के लिए।